हे गाइज, वेलकम टू दी न्यू व्लॉग ऑफ हैरीज डायरी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज का ये जो टॉपिक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसके लिए मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो व्लॉगर्स हैं जो आईफोन से शूट करते हैं अपना व्लॉग, उनको बहुत तकलीफ हो जाती है कि अगर उनके पास कोई भी बड़ा वीडियो आता है, लाइक 7, 10, 15 मिनट्स का जो वीडियो अगर वो शूट करते हैं, एंड उनको वो अपने पीसी या लैपी में कॉपी करने के लिए काफ़ी तकलीफ होती है। लाइक आपको थर्ड पार्टी कोई ऐप या वेबसाइट आपको यूज़ करना पड़ता है, बट वो भी एक या दो बार में आपको फ्री देंगे, बट उसके बाद आपको वो पेड करना पड़ता है। सो इसके लिए ये मैंने रिसेंटली बहुत सर्च करके क्रैक किया है। सो मैंने सोचा इसके ऊपर हम एक वीडियो ज़रूर बनाते हैं। आपको आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसके अंदर आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके पीसी या लैपटॉप में आईट्यून्स है वो आपको डाउनलोड करके रखना है, जो भी उसका अपडेटेड वर्जन होगा, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना है, जो जैसे जैसे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे स्टेप्स आप फॉलो करिए, एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि आपका भी जो बड़ा वीडियो है वो आपके पीसी में या लैपटॉप में कॉपी हो जाएगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आपको अपने फ़ोन में करने हैं, और वो फ़ोन में करने से आपके जो वीडियो है वो पीसी या लैपटॉप में चले जाएंगे। उसके लिए आपको पहले आपके जो वीडियो में जाना है, लाइक कौन सा वीडियो था वो आपको एक बार देखना है। तो यहाँ पर मैंने देखा एक मेरा 16 मिनट्स का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 मिनट्स का ये एक वीडियो है, ये मेरा पुराना अनबॉक्सिंग का वीडियो है जो मैंने बैच प्लेट एंड टॉप रैक अनबॉक्स किए थे उसके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर वीडियो पर सिलेक्ट करिए, लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप ऑप्शंस का आपको एक बटन दिखेगा, वो आप ऑप्शंस में नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तब आपको दिखता है सेव टू फाइल्स। अब सेव टू फाइल्स में जैसे आप क्लिक करोगे तो आई क्लाउड ड्राइव, ऑन माय फोन एंड एक्सेट्रा, तो हमें जाना है सेकंड वाले पार्ट में, ऑन माय फोन में। तो जैसे आप ऑन माय फोन में चले जाते हो, वहां पर आपको आई मूवी का एक ऑप्शन आता है, लाइक आई मूवी। तो ये जो आई मूवी का जो फोल्डर है, यहाँ पर आपको वो वीडियो आपको सेव कर देना है, एंड वो वीडियो आपका सेव हो गया। ये वीडियो सेव होने के बाद आपको अभी अपनी लाइटनिंग केबल से आपको पीसी में अपना फ़ोन कनेक्ट करना है, एंड आपको आईट्यून्स उसमें चालू करना है। तो चलिए फिर हम एक बार वो भी चालू कर देते हैं। सो गाइस, जैसे यहाँ पर अगर अपना आईट्यून्स चालू करते हो एंड अपना फ़ोन कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पर आपको ऐसे आईट्यून्स आ जाएगा, यहाँ पर आपको एक फ़ोन की साइन दिख जाएगी, वो फ़ोन के साइन में आपको पूरा डिटेल्स आ जाएंगे कि आपका 12 प्रो मैक्स है, क्या है क्या नहीं है, एक फ़ोन है, एंड यहाँ समरी, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं तो एक समरी है, म्यूज़िक, मूवीज़, टीवीज़, फ़ोटोज़, इन्फोज एंड फाइल शेयरिंग। ये फाइल शेयरिंग पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये आई मूवीज़ यहाँ पर एक दिख रहा रहेगा, ये आई मूवीज़ पे हमें यहाँ पर क्लिक करना है, एंड जैसे ही आप अगर ये आई मूवीज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए जो हमने डॉक्यूमेंट है वो हमारा यहाँ दिख रहा है। आपको सेव फाइल पे जाना है, एंड सेव फाइल पे आप कोई भी अपना फोल्डर चूज़ कर सकते हो, जैसे मैं डेस्कटॉप पे यूजुअली रखता हूँ इनिशियल चीज, तो डेस्कटॉप पे जैसे मैंने अगर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम हैरी आईफोन। सो कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम हैरीज आईफोन स्टार्ट हो जाता है, एंड यहाँ पर आपकी फ़ाइल है वो कॉपी होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर आपको कुछ वीडियोस आपके डालने भी हैं आपके फ़ोन में, तो अगर आपको फ़ोन में आपको डालने भी है तो ऐड फाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड फाइल करके एक है, ये ऐड फाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, कौन से भी वीडियोस आप अगर आपको चाहिए कि आपको आपके फ़ोन के अंदर चाहिए वो चीज़, वो अपन यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड डन कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि जो वीडियोज़ यहाँ पर आपके जो पीसी से फ़ोन में लेना है तो भी ये काम आ जाता है, एंड फ़ोन से अगर आपको पीसी में डालना है वीडियोस तो भी ये वीडियोस काम आ जाते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉपी हो गई है ख़त्म, एंड यहाँ पर हमारे एक वीडियो आ गया है, एंड यही वो वीडियो है जो हमने कॉपी किए करने के लिए रखा था। 16 मिनट्स का ये जो वीडियो है, बहुत आसानी से लाइक 5 to 7 मिनट्स के अंदर अंदर आपको आपके पीसी में या लैपटॉप में आ जाता है, विदाउट कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ किए, विदाउट कोई एक
इंटरनेट यूज़ किया है, सिर्फ आपके केबल से ये आप बड़े बड़े जो भी फाइल्स हैं वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आज का ब्लॉग इसी के ऊपर था, ताकि जो भी आईफोन यूजर्स हैं, जो ब्लॉग बनाते हैं, जो वीडियो शूट करते हैं, या जिनको बड़े बड़े वीडियोज निकालने का शौक़ है बट वो फिर कॉपी नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये एक वीडियो था कि आप ये भी कोई भी कितना भी बड़ा वीडियो हो आप कॉपी आराम से कर सकते हो ऐसे। सो मिलते हैं गाइज बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग टू माई यूट्यूब चैनल हैरीज डायरी।